एक तरफ साजिश की तकरार, दूसरी तरफ खुफिया मुज़ाकरात। इमरान खान का पाकिस्तान में अमरीकी सफीर से रब्ते का इंकशाफ। वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा ने अपने टेलीफोन से दोनों की बात करवाई। इमरान खान ने कहा डोनाल्ड लू के ख्यालात को अमरीकी हुकूमत का मौक़िफ नहीं बनाना चाहिए था, इसी वजह से अवाम ने शदीद रद्द अमल दिया। अमरीकी सफीर ने जवाब दिया आपकी बात अपनी हुकूमत तक पहुँचा दूंगा। आर्मी चीफ ने कहा उनकी जात पर बात की जाए तो कोई परवाह नहीं, इदारे पर बात की जाएगी तो शहदा के लवाहिकीन को क्या जवाब दूंगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का नदीम मलिक को इंटरव्यू, कहा शहबाज गिल ने अकेले अटैक नहीं किया, जो हुआ सबस्क्रिप्टेड था। अफगानिस्तान में होने वाले ड्रोन हमले में पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल नहीं हुई, ना ही इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई। 13 अगस्त के जलसे में कौम को बताएंगे कि हकीकी आज़ादी लेते कैसे हैं। इमरान खान का अक़लियती कन्वेंशन से खिताब, कहा हुकूमती टोला लूट मार करने के बाद कहता है कि एनआरओ दो, अब ऐसे नहीं चलेगा, इंसाफ के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। उनका कहना था कि मजहब की जबरी तब्दीली की मुखालफत करते हैं। बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार शहबाज गिल का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना, मेडिकल बोर्ड ने मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। तफ्तीशी टीम ने शहबाज गिल के बयान का ट्रांसक्रिप्ट हासिल कर लिया। मोबाइल फोन बरामद नहीं किया जा सका। शहबाज गिल का कहना है मोबाइल फोन ड्राइवर के पास है। शहबाज गिल के पर्सनल असिस्टेंट, ड्राइवर और उसकी अहलिया समेत 8 मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज। और लाहौर में PTI के जलसे के लिए हॉकी स्टेडियम की ऑस्ट्रोट्रफ, तबाह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जलसे का इजाजत नामा मनसूख किया जाए। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी अता तारर ने चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर लाहौर और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को नोटिस भिजवा दिए।